कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। मेरे दोस्तों, पबजी, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया को छोड़ो, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है दोबारा लौट कर नहीं आता। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि पैसा बर्बाद करने से बस आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन समय बर्बाद कर देने पर आपकी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो जाएगा। दिन से तुमने अपना ये समय का यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, उस दिन से इस दुनिया में विरोधियों के जलने वालों की संख्या कम नहीं होगी। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि दुनिया विरोध करे तो इसे डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी को पत्थर मारती है। आपके पीठ पीछे बोलने वाले भी बहुत मिलेंगे, पर आपको याद रखना होगा कि कोई पीठ पीछे बोले तो ये बात ध्यान रखना कि पीठ पीछे वही बोलता है जो हमसे हमेशा पीछे होता है। आपको इस बात पे डर रहना है कि ना तो मैं टूटा हूँ और ना ही मैं टूटूंगा। मेरे हौसले खड़े रहेंगे, मैं बादलों पर दौड़ूंगा, मैं आसमां को छू लूंगा। पढ़ाई बोझ नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इस दुनिया में हर कोई तुम्हें हराने को तैयार है। सपने अधूरे रह जाते हैं तो ये जिंदगी बेकार है। जो तुम्हें जीत दिलाए, पढ़ाई वह तलवार है। तू दुनिया से बिल्कुल अलग हो जा, इस भीड़ से बिल्कुल अलग हो जा, क्योंकि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। जो बनना है शौक से बनना, लेकिन ख्याल रखना कभी किसी भीड़ का हिस्सा मत बनना। लेकिन हाँ, भीड़ जिसके लिए जुटे वो किस्सा जरूर बनना। और वो किस्सा बनने के लिए तू ये मत सोच कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा। अरे पागल, तू प्रेजेंट में अपने स्टडी पर फोकस तो कर, ये बदलता हुआ समय जिंदगी बदल देगा। तू दुनिया में अपने आप को एक एग्जाम्पल छोड़ के जा, क्योंकि द वर्ल्ड विल चेंज फ्रॉम योर एग्जाम्पलरी वर्क, नॉट फ्रॉम योर ओपिनियन। यह दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। और ये तभी पॉसिबल है जब तू अपने एम पे फोकस करेगा, जब तू अपनी एम पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगा। हाँ, हो सकता है कि शुरू में डर लगे, बट तुझे उसी डर से तो जीतना है, क्योंकि न सफर डराता है न सफर थकाता है। ये खौफ का मुकाब सारी रात जगाता है, और यही खौफ को अपने अंदर जगाए रखना है और सारी सारी रात जगकर दुनिया में अपने आप को एक एग्जाम्पल पेश करना है।